अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। ये देखिए, मैंने 1 लीटर दूध ली थी, ये उसको मैंने बारीक आंच पे अच्छे से गरम कर दी हूँ, और गरम करके थोड़ा कुमकुमा ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और पहले देखिए, मैंने डेक्ची को एकदम साफ़ से अच्छे से गरम पानी करके चारों तरफ से पानी को घुमा के धोई, उसके बाद में उसमें 1 लीटर दूध डाल के बारीक आंच करके रखी थी। अब दूध अच्छे से गर्म हो चुका था, बारीक आंच पे उबल रहा था। उसके बाद में मैंने गैस को बंद कर दी और अभी थोड़ा कुमकुमा होने के लिए रख दी हूँ। दूध को पूरी तरह से पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा कुमकुमा ही रखना है। उसके आगे की वीडियो मैं आपसे आगे बताती हूँ। ये देखिए, दूध में बारीक आंच पे दूध गर्म होने से देखिए क्या फ़ायदा होता है। देखिए इसमें मलाई कितनी अच्छी से जमा हुई है। मलाई के साथ ही हमने दही बनाना है। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी मलाई जमा हुई है। एकदम डेयरी वाला दही होता है ना, बिल्कुल वैसा ही दही तैयार होएगा। ये देखिए, दूध अब हमारा कुमकुमा ठंडा हो चुका है। अब इसे इस दाल घुटनी की मदद से हल्के हाथ से इसे फेंट लेंगे। ऐसे फेंटना है कि इसके ऊपर ऐसे ये जैसे रहते ना फुग्गे फुग्गे, वैसे आने चाहिए। देखिए, लेके आई हूँ दही, दही का डब्बा। इसे भी चम्मच की, छोटी चम्मच के मदद से फेंट लेना है। इस तरह से हमें फेंटना है। और दूध को भी मैंने अच्छे से दाल घुटनी से फेंट ली। अभी इसमें देखिए यही दही एक एक चम्मच करके हमें पहले बीच में डालना है थोड़ा सा, फिर चारों तरफ इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दही छोड़ना है ऐसे। बिल्कुल डेयरी में जैसे दही जमा होता है, हम लोग रेडीमेड दही लेके आते हैं, उससे भी अच्छा घर पे दही बनता है ये। ये देखिए, मैंने सब जगह अच्छे से दही डाल दी। 10 रुपये वाला डब्बा है ये दही का, छोटा वाला डब्बा। पूरा इसमें फेंट कर डालना है इसी तरह से चारों तरफ। अब इसके आगे क्या करना है देखिए, आप चाहे तो टोप में, डेगची में, ट्रे में, किसी में भी दही जमा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रे ही चाहिए, कंटेनर ही चाहिए दही के लिए, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ में आप जर्मन की डेगची में या फिर टोप में, स्टील के किसी में भी दही जमा सकते हैं। ये देखिए, ये ढक्कन ली मैंने, इसको अच्छे से पूरी तरह से झाँप ली। ढक्कन झाँपने के बाद देखिए, मैं एक कॉटन का कपड़ा लूँगी, इसको अच्छे तरह से पूरा पैक कर दूँगी इस तरह से। देखिए ऐसे, उसके बाद देखिए मैं इस तरह का ये एक कटोरा लूँगी बड़ा वाला, जो कि डेगची के ऊपर अच्छे से फिट बैठता हो। ये देखिए, इसको उल्टा करके इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से पूरा फिट बिठा देना है। अब इसको हमने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, एक साइड में सरका के रख देना है और सुबह में ही इसे खोलना है। अभी रात के कुछ, शाम के कुछ 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। अभी हमें इसे सुबह में जब भी हमारी आँख खुलेंगी तभी हमें इसे खोल के देखना है कि दूध हमारा, दही हमारा कैसे जमा है। अब मिलते हैं सुबह में। ये देखिए, इस तरह से इसे ढक कर रख देना है ताकि इसमें आजू बाजू से हवा ना घुसे। इसी तरह से हमें साइड में, मैं भी इसे ऐसे सरका के रख दूँगी, बिल्कुल भी दूध को हिलाना नहीं है, एक साइड में ऐसे रख देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, ताकि आपको सारी आने वाली वीडियो हमारी जल्द से जल्द मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये हो गई हमारी सुबह, सुबह के तकरीबन 6:30 हो रहे हैं और मैं मेरे बेटे का नाश्ता बना रही हूँ और उसका टिफ़िन बना रही हूँ। टिफ़िन में मैं बना के दे रही हूँ उसे पेटीज, और उसका टिफ़िन वगैरह जब तैयार हो जाएगा पूरा, उसका नाश्ता हो जाएगा और वो स्कूल चला जाएगा, उसके बाद में मैं दही का ये सब टोप वगैरह हटा के आपको दही किस तरह से जमा है वो बताऊंगी। अभी मैं पहले उसका पूरा नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में हमारी ये आगे की वीडियो बताऊंगी मैं आपको दही वाली। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी पेटीज बन के एकदम तैयार हुई है।
इसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँ, ये कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताएं, तो इंशाल्लाह मैं इसकी भी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलो अभी टिफ़िन बनाने का हो गया मेरा, मुझे को नाश्ता भी देना है, उसको उठाना भी है। अब गया मुझे भी स्कूल को, अब मैं आराम से आपको इसके आगे की वीडियो बताती हूँ। दही कैसे जमा है हमारा, ये देखिए, ये हटा दी मैंने इस पे का टॉप, ये कपड़ा, ये देखिए हमारा दही कितने अच्छे से एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम घट घट। मैं आपको इसको देखो चम्मच में भी थोड़ा लेके बताती हूँ। देखो कितने अच्छे से हमारा दही एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है, ये देखिए। है ना एकदम डेयरी जैसा दही। अभी मैं इसे ऐसे ही उठा के फ्रिज में रखूँगी, ठंडा होने के बाद ये एकदम और भी अच्छा हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।